नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने आधार कार्ड के अंदर अपनी ईमेल आईडी और अपने मोबाइल नंबर को किस प्रकार वेरीफाइड कर सकते हैं, और आधार कार्ड के अंदर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाइड करने की ज़रूरत क्यों होती है, ये वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आप लगातार बने रहे, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाइड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एम आधार नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे मोबाइल में एम आधार एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए तो सिंपली आपको यहाँ पर ओपन का बटन दिखाई दे रहा होगा, तो सिंपली आपको ओपन के बटन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेना है। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे तो इस एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा। तो आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन का पस डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे जाएगा। तो आपको यहां पर स्किप के बटन पर क्लिक करना है, एंड यहां पर आपको कंसल्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही कंसल्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज आपको दिखाई देगी। अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज चाहते हैं तो आपको इंग्लिश वाले बटन पर क्लिक करना है, और जो भी आपकी सूटेबल लैंग्वेज है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, एंड यहां पर डन के बटन पर क्लिक करना है, एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं, आपको कोई भी एक रैंडमली मोबाइल नंबर यहां पर फिल करना है, एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर फिल करके जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी। ओटीपी को यहां पर फिल करना है, एंड सबमिट ओटीपी पर क्लिक करना है। आप जैसे सबमिट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखोगे आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहां पर ये एम आधार की एप्लीकेशन सक्सेसफुल तरीके से यहां पर ओपन हो चुकी है, और इस एप्लीकेशन का फर्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा। इस एप्लीकेशन में आपको आधार कार्ड से जुड़ी बहुत सारी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएगी। इन सारी सर्विसेज का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी के अंदर आपको एक सर्विस दिखाई दे रही होगी, वेरीफाइड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आप यहां पर ऊपर देख सकते हैं, वेरीफाइड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। पर दोस्तों, ये जो सर्विस है ये काफ़ी दिनों से इस एप्लीकेशन में वर्क नहीं कर रही है, और बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये जो सर्विस है वेरीफाइड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ये किस काम आती है, और ये जो सर्विस है ये एम आधार एप्लीकेशन में किस लिए यहां पर दी हुई है, और ये किस प्रकार वर्क करती है। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों हम इस यहां पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगर आप वेरीफाई मोबाइल नंबर करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन वाले पर क्लिक करना है, और वेरीफाइड ईमेल आईडी करना चाहते हैं तो आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर आधार नंबर फिल करना है, और आपको मोबाइल नंबर यहां पर फिल करना है, और ये कैप्चर कोड दिखाई दे रहे हैं, ये कैप्चर कोड आपको फिल करके वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही वेरीफाई के बटन पर क्लिक करोगे तो यहां पर कैप्चर कोड इनवैलिड आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये सर्विस एम आधार इस एप्लीकेशन में काम नहीं कर रही है, बहुत समय से काम नहीं कर रही है। तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाइड करने का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो आप किस प्रकार मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाइड कर सकते हैं, और आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाइड क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये सर्विस एम आधार इस एप्लीकेशन में क्यों दी हुई है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों, जब आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करवा के आते हैं, जुड़वा कर आते हैं, लिंक करवा के आते हैं, तो कई बार आपको पता होगा आप कोई भी सर्विस के लिए अपने आधार कार्ड से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जब ओटीपी सेंड करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं जाती है, और ईमेल आईडी पर भी ओटीपी नहीं जाती है। इस केस के अंदर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करने की यानी वेरीफाइड करने की जरूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम किस प्रकार ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाइड करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा होगा, जनरेट क्यूआर कोड, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप जिस आधार कार्ड में भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाइड करना चाहते हैं, आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, एंड ये कैप्चर कोड दिखाई दे रहे हैं, ये कैप्चर कोड यहाँ पर फिल करके रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। या फिर अपने आधार कार्ड को आप देखोगे तो आधार कार्ड पर आपको एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा, उस क्यूआर कोड के थ्रू भी आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को वेरीफाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अभी जनरेट करेंगे क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे। जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी। अगर ओटीपी नहीं
आती है तो आपके आधार कार्ड में जो बार कोड दिया हुआ है, आपका जो प्लास्टिक वाला या फिजिकल कार्ड आया है डाकिया के द्वारा, उस कार्ड पर आपको QR कोड दिखाई दे रहे होंगे, उस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसे OTP फिल करके वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखोगे आपके आधार कार्ड का जो बार कोड है वो जनरेट होकर यहां पर आ चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस बार कोड को आपको स्कैन करवाना है, इस QR कोड को आपको स्कैन करवाना है। तो QR कोड को स्कैन करवाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप देख सकते हैं आधार QR कोड स्कैनर नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहां से ओपन के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ओपन के बटन पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखोगे आपकी एप्लीकेशन यहां पर ओपन हो चुकी है। अब नीचे आपको स्कैन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो सिंपली आपको स्कैन वाले बटन पर क्लिक करना है। आपको इस QR कोड को यहां पर स्कैन करवा लेना है। जब आप इस QR कोड को स्कैन करवा लोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आपके आधार कार्ड की कंप्लीट डिटेल यहां पर खुलकर आ चुकी है। आपके आधार कार्ड की फोटो, आपकी जो भी यहां पर आधार कार्ड आपने जब बनवाया था तब आपको एनरोलमेंट ID मिली थी, वो एनरोलमेंट ID भी यहां पर आ चुकी है। आपका जो भी नेम है, आपका जेंडर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस है, वो कंप्लीट चीजें यहां पर खुलकर आ चुकी है। अब आपको यहां पर मैं जूम करके दिखाता हूं, आप यहां पर देखोगे यहां पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के अंदर XX लिखा हुआ आ रहा है, और इसके सामने आपको वेरीफाइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको अपने मोबाइल नंबर को पहले वेरीफाइड करना है। मेरा जो ये आधार कार्ड है इसके अंदर मोबाइल नंबर भी लिंक है और ईमेल आईडी भी लिंक है, इसके बावजूद यहाँ पर OTP नहीं आती है। बहुत कभी कभार OTP आ जाती है, कभी कभार OTP नहीं आती है। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले सेक्शन पर वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। हम दोस्तों जैसे ही मोबाइल नंबर फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ रहा है QR कोड स्कैनर मोबाइल वेरीफाइड सक्सेसफुल, यानी कि हमारे जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर सक्सेसफुल वेरीफाइड हो चुके हैं। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं मोबाइल नंबर के सामने वेरीफाइड लिखा हुआ आ चुका है। इसके बाद में हम यहाँ पर ईमेल आईडी के सामने वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, और हमने जो ईमेल आईडी दी हुई है वो ईमेल आईडी हम यहाँ पर फिल करेंगे। ईमेल आईडी फिल करने के बाद में सिंपली हम यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी ईमेल आईडी भी यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से वेरीफाई हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के सामने दोनों के सामने वेरीफाइड लिखा हुआ आ चुका है। अब हमारे आधार कार्ड में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाइड हो चुके हैं। अब हमारे आधार कार्ड में जुड़े ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वर्क करेंगे। कुछ लोगों का यहाँ पर कमेंट रहेगा क्या सर इस प्रकार हम आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये प्रोसेस आधार कार्ड में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जोड़ने का प्रोसेस नहीं है। इस प्रकार आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप नहीं जोड़ पाओगे। इस प्रोसेस से मात्र आपके आधार कार्ड में पहले से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जुड़ी है उसको आप ओनली फॉर वेरीफाइड कर पाओगे। आधार कार्ड में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए आपको आधार सेंटर पर ही विजिट करना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करी हो तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए हेल्पफुल वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।